हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलून फैक्ट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने न्यू सलून खोला है तो आपको कौन से कलर ट्यूब की रेंजें रखनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्टॉक कलर ट्यूब का ले, कौन सा ना ले। क्योंकि गाइस, आप सभी को पता है कि जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारा जब बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, तो हमें एकदम सही सजेशन लेकर ही कलर ट्यूब का स्टॉक रखना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक कमेंट आई थी कि ये भी बोल रहे थे कि मैंने एक न्यू ओपन सैलून करा है तो इनको यही प्रॉब्लम थी कि वो कलर ट्यूब कौन कौन से रखे ताकि उनका जो स्टॉक है वो बाकी वेस्टेज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर हमारे को बिना नॉलेज के हम सारे कलर ट्यूब रखवा लेते हैं और कुछ ही लिमिटेड कलर उसमें से यूज़ होते हैं और कितने कलर ट्यूब की एक्सपायरी डेट आ जाती है। अगर गाइस आपको भी ये प्रॉब्लम ना आए तो मैं आपको बता दूँ कि आप कौन कौन से कलर ट्यूब रख सकते हो। तो गाइस बात करते हैं हमारे बेसिक सेट से। आपने देखा होगा ज़्यादातर गाइस हमारी जो कलर की सर्विस सबसे ज़्यादा आती है वो आती है हमारी ग्रे कवरेज के लिए। तो ग्रे कवरेज में आप कौन कौन से कलर ट्यूब रख सकते हो गाइस? आपको एक नंबर जो कलर ट्यूब है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि वेस्टेज है। जेड ब्लैक होता है, आजकल कोई भी जेड ब्लैक कलर कोई भी नहीं कराता, यहाँ तक कि जैन सलोनों में भी जेड ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो एक आर्टिफिशियल जेड ब्लैक की लुक देता है। और गाइस बात करते हैं नंबर टू, जो हमारा बेसिक सेट है वो भी नहीं रखना है। आपको 3, 4, 5 ये तीन बेस सेट आपको हमेशा रखने, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे एशियन हेयर है 3, 4, 5 के टचअप जब सबसे ज़्यादा आते हैं। और बात करते हैं 6, 7, 8, 9 इन ट्यूबों को आप रख सकते हो, लेकिन इनसे आप 6, 7, 8, 9 से ग्रे कवरेज नहीं कर सकते। लेकिन गाइस आप बेसिक सेट में ऐड करके एक लाइटर सेट आप बना सकते हो और आपको ग्लोबल के लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। ये तो आपके बेसिक सेट हो गए, आपको 3 से स्टार्ट करके 10 तक के आपको सारे बेस सेट रखने हैं गाइस, और मैं आपको बताऊंगी ये यूज़ भी कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और अब बात करते हैं गाइस फैशन सेट के बारे में। फैशन सेट में आपको एक वॉर्म टोन होती है, एक कूल टोन होती है। आपको कौन कौन से कलर ट्यूब रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। वॉर्म टोन में जाओगे तो गाइस आपको गोल्ड की फैमिली यानी कि 0.3 की फैमिली अपने सलोन में रखनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ 7.3, 8.3, 12.3 ये सारी जो 0.3 की शेडें हैं, आपको अगर मैं कलर ट्यूब के नंबर एग्जैक्ट बताने लगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। 0.3 जिनके पीछे 0.3 आता है वो सारी कलर ट्यूब आप अपने स्टॉक में रख सकते हैं। बात करते हैं कॉपर फैमिली की, जिसका 0.4 लोरियल की मैं आपको आपसे गाइस मैं बात कर रहा हूँ। लोरियल, स्ट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये तीन प्रोडक्ट आप अपने सलून में रख सकते हो। अगर सोर्स को बेला में जाना चाहते हो तो आपको एक देखना पड़ेगा कि आपका इनका 0.3 क्या है और उनका गोल्ड क्या है। 0.4 आपको रखना है, 7.4, 8.4, 6.4, 5.4 ये सेड आपको अपने सलून में रखनी है। और गाइस बात करते हैं रेडिस फैमिली की, रेडिस में आपको क्या रखना है, 5.66 रखना है, बर्गेंडी रखना है, 6.62 रखना है, 4.20 रखना है। और गाइस आपको रेडिस कलर, प्रॉपर रेडिस कलर चाहिए तो आपको लोरियल का मैजिक कंट्रास्ट, मैजी रूज, रेड मेजेंटा ये सारी सेडें आपको अपने सलोन में रखनी है। ठीक है गाइस, ये हो गई हमारी फैशन सेड, और फैशन सेड की ये वॉर्म टोन हो गया हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं कूल टोन के बारे में। कूल टोन में गाइस आपको रखना है 0.1 की फैमिली रखनी है, एस की फैमिली नहीं, 9.1, 12.1, 7.1, 6.1 आप रखते हो नहीं रखते हो ये आपके ऊपर ऑप्शन है गाइस। ठीक है, और ये होगी कूल टोन की फैमिली। कूल में आप मोका फैमिली, जिनको चॉकलेट कलर की तरफ ज़्यादा जाना होता है तो गाइस आप चॉकलेट कलर रख सकते हो, चॉकलेट यानी कि 0.8 मोका फैमिली के कलर ट्यूब रखना है आपको, 6.8 और एक 7.8, बस ये दो ट्यूब आपको चॉकलेट फैमिली की रखनी है। और गाइस आपको एक ब्लोंडर यूज़ करने के लिए ब्लोंडर चाहिए, ब्लोंडर आप वेला का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। स्वार्ज़कॉफ का यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्वार्ज़कॉफ अच्छा लगता है। और गाइस बात करते हैं माहोगनी फैमिली, 0.5 की फैमिली गाइस आप 7.5 और 6.5, मेरी मानो तो सिर्फ खाली एक ट्यूब माहोगनी का आप रख सकते हो 7.5, सबसे ज़्यादा ट्यूब चलता है और स्ट्रिक्स में भी ये अवेलेबल हो जाता है आपके बजट में। ठीक है गाइस, 7.5 का कलर ट्यूब आपको रखना है अपने सलोन में। तो गाइस ये हमारी होगी ये कूल फैमिली। अब बात करते हैं अगर किसी क्लाइंट को प्री लाइटनिंग नहीं करानी, उनको डायरेक्ट लिफ्टिंग चाहिए, तो आप कौन कौन से हाई लिफ्टेड कलर रख सकते हो? लोरियल में आप 900S कलर ट्यूब रख सकते हो, इससे आपको डायरेक्ट कलर लिफ्टिंग मिल जाएगा विदाउट प्री लाइटनिंग। इससे आप हाईलाइट
ग्लोबल दोनों चीज कर सकते हो। और डायरेक्ट लिफ्टिंग में 12.3, 12.1, 12.5, 12.4 ये आप कलर शेड आप अपने सलून में रख सकते हो गाइस। वो इसको आप इजीली यूज करके एक अच्छा कलर ला सकते हो विदाउट प्री लाइटनिंग और कम समय में। तो गाइस ये शेड आपको अपने सलून में रखनी है। अगर गाइस आपको न्यू स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपके सलून में क्लाइंट का जो मतलब प्राइस लिस्ट के ऊपर वो रहता है कि थोड़ा कम बजट में करना है, तो गाइस आप ऐसा कोई नहीं, आप स्ट्रिक्स के कलर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं, स्ट्रिक्स एक प्रोफेशनल ब्रांड है, उसके कलर आप यूज कर सकते हो गाइस। एक बजट फ्रेंडली ब्रांड है वो, एक उसमें आपको सर्विस भी हर क्लाइंट उसमें मान जाती है। 800 में अगर आप लोरियल का रूट टचअप करते हो तो गाइस उसका आप 500 में कर सकते हो, हर कोई क्लाइंट उससे कराने को राजी हो सकता है। तो गाइस आपको ये कलर शेड आपको अपने सलोनों में रखने हैं। मैंने आपको फैमिलीज बता दी है, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6 ये फैमिलीज आपको अपने सलोन में रखनी है। 0.3 आपको हो गया गोल्ड फैमिली, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली फैमिलीज है। अब बात करते हैं जो मैंने 7, 8, 9, 10 की ट्यूब रखवाई है वो क्यों रखवाई है। अगर आप किसी क्लाइंट को ग्लोबल और हाईलाइट्स करते हो, हाईलाइट सबसे ज़्यादा हमारी गोल्ड हाईलाइट्स और बेस ब्राउन वाला सबसे ज़्यादा गाइस चलता है, तो आपके पास कोई डिपॉजिट करने के लिए हाई लिफ्टिंग ट्यूब नहीं है तो आप सिर्फ स्ट्रिक्स का 10 नंबर से उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। उससे आपका बेस भी लिफ्ट हो जाएगा और हाईलाइट्स भी आपकी गोल्ड की टिंट शेड में आ जाएगी। और गाइस बात करते हैं फंकी शेड के बारे में। रेड की हमने बात कर ली, ग्रीन, ब्लू, पिंक, वॉयलेट, ये शेड आपकी गाइस डिमांडिंग शेड होती है। इसका स्टॉक गाइस आपको ज़्यादा सलोन में नहीं रखना है क्योंकि ये एक डिमांडिंग शेड होती है, तो इसमें आपको सिर्फ एक एक आप जरूर रख सकते हो। इस शेड के गाइस क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा कम विजिट करते हैं सलोन में, तो एक दो आते तो आप आपस में बाहर मार्केट से रिटेल में ले सकते हो। ज़्यादा स्टॉक इसका ना रखो तो गाइस ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि फंकी शेड काफ़ी ज़्यादा कम चलती है और बालों में भी स्टे कम करती है, इस कारण क्लाइंट इसको कम करवाते हैं। सो आई होप गाइस आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और मैंने जितनी भी आपको फैमिली बताई है आपको समझ आ गई होगी कौन कौन सी सलोन में रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है। और गाइस कोई एक दो जो कलर ट्यूब है वो मिस्टेक से स्किप भी हो गया होगा, तो गाइस कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।